हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? तो सैनिक स्कूल की तैयारी अच्छे से चली होगी। ओके, सो सिलेबस हमारा मैंने करा दिया हुआ है ऑलरेडी कवर। आपको सभी सब्जेक्ट बच्चे बोल रहे हैं कि सर पहले साइंस शुरू करो आप। इन्होंने इसलिए बोला बच्चों ने क्योंकि जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं वो मेरी वीडियो भी देखते हैं, तो उन वीडियो में काफी चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं हमने। जैसे आर्मी की कोचिंग के लिए जो चैप्टर हमने कवर किए थे ना, जीडी के रिटन टेस्ट के लिए, उसमें कवर हैं वो काफी चैप्टर, नियर अबाउट टू 50% चैप्टर आपके मैथ कवर्ड हैं। ठीक है, वो मैं एक जब मैथ करूंगा तो उसमें डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगा। व्हाट जो साइंस वाले चैप्टर है, साइंस हम लोगों ने अभी तक किसी भी टेस्ट में साइंस को हमने टच भी नहीं किया था। तो आज बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर मेटल एंड नॉन मेटल, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मैक्सिमम जो इसे जिसको बोल सकते हैं डाउट्स जो हैं वो आप क्लियर करना इसमें। ठीक है ना, जो चीज हमने की हुई है वो एक बार बैक हो जाएगी और जो चीज हम लोग नहीं जानते वो आप करवा देंगे। ओके, सो आज का लेक्चर हम मेटल एंड नॉन मेटल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। मेटल, जब भी नाम आता ना मेटल, मेटल से आपके दिमाग में ऐसा आ जाता है, ठीक है ना, अगर मेटल की बात करूं तो क्या आ जाता है दिमाग में? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, दीज आर लाइक सच ए मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी के सभी मेटल्स हैं। ठीक है ना, अब इनकी स्पेशलिटी कैसे हम इनको मेटल करते हैं, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ दीज मेटल्स, ठीक है ना, क्या क्या अगर ये किसी फॉर एग्जांपल भी ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो क्या इनके रिएक्शन होता है। चलो ये तो केमिकल की बात हो गई, अगर मैं फिजिकल में बात करूं तो फिजिकल में इसकी लुक कैसी है। वो बोलते हैं ना, जब हम लोग करते हैं रिश्ता करते हैं लड़की का या लड़के का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसके फिजिकल, लड़की की हाइट कितनी है या लड़के की हाइट कितनी है, वो चीज देखते हैं। उसके बाद देखा जाता है देखने में कैसी है, ठीक है ना, कैसा रंग है, लड़का बहुत गोरा है या लड़की बहुत गोरी है और लड़का बहुत काला है तो भी नहीं चलेगा, दोनों सामने रंग के हैं बहुत बढ़िया रहेगा। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज, दीज आर फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है ना, कैसा उनका यानी उनकी बनावट कैसी है, वो कैसे दिखते हैं, मोटा तो नहीं है मेरी तरह या आपकी तरह, बिल्कुल कमजोर तो नहीं है। मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, कागजी पहलवान है तब मैं बोल रहा हूं, और मेरे को पता है कि आज स्टूडेंट लाइफ में बहुत कम 2-3 बच्चे हैं जो मेरे थोड़े स्ट्रांग हैं, कुछ 1-2 बच्चे तो ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। ठीक है, सो एक्चुअल में क्या है, यही मेटल और नॉन मेटल के बारे में स्पेशलिटी है। परंतु एक सबसे जबरदस्त मेटल का गुण होता है, ठीक है ना, वो क्या चीज है, मेटल किस चीज से, क्यों इसको मेटल बोला जाता है, देयर इज सम प्रॉपर्टी विच आर डिफर फ्रॉम वन अनदर। जब हम मेटल की बात करते हैं ना, जिसको बोल सकते हैं ना आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं व्हाइल लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ, मेटल, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है आगे, दोज एलिमेंट, ये आपके दिमाग में होगा भी, दोज एलिमेंट विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन का मैं मतलब भी समझाऊंगा आपको, पॉजिटिव आयंस वाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमेशा इनकी एक स्पेशलिटी होती है मेटल्स की कि ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। मतलब आपके पास दो तरीके के लोग होते हैं, एक क्या करते हैं, प्रिजर्विंग नेचर के होते हैं, जो कुछ है ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, जब हमारी आईडी थी तो उसमें एक स्टूडेंट था अरुण, इसे वेरी प्रिजर्विंग नेचर, कोई भी चीज होती उसने मेरे को भी आदत डाल दी हुई थी हर चीज को संभाल के रखने की। वो क्या बोलता था, सर ये भी काम आ सकती है, ये भी काम आ सकती है, हालांकि वो जब हम लोग
कई चीजें बेस बिल में अलग कर देते थे ना, तो उसमें भी वो बड़ी सारी चीजों को निकाल देता था। दिस प्रिजर्विंग सब कुछ लेने की आदत। और एक होता है डोनेटिंग नेचर। डोनेटिंग में क्या होता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र एवरीथिंग, ठीक है ना, डोनेशन के ऊपर चलता था उसका। गौशाला है हमारी साईं गोकुलम गौशाला बनूरी ना, ये पड़ती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तहसील डाडासीबा में, और टेरस और डाडासीबा के बीच में, ठीक है ना। वहां पे लोग कुछ आते हैं, और कई बार तो वो ऐसा होता है ना कि इतने ज्यादा सुविधा संपन्न परिवार से नहीं होते, फिर भी वो अपने बाइक पे या कहीं से घास का ना प्रबंध करके ले आते हैं गायों के लिए। दैट इज नोन एज डोनेटिंग नेचर। जेब में पैसे नहीं, ऐसे हैं, एक स्टूडेंट भी आता था, अभी तो आई थिंक आर्मी में चला गया हुआ है। ऐसे लोग बड़े दिन रहते नहीं, टिकते नहीं है, उनको कोई ना कोई बढ़िया जॉब मिल जाती है, दे बिचारे डोनेटिंग नेचर, ठीक है ना। तो वो था ऐसी, वो क्या करते हैं, ऐसी एक नेचर होती है जो हमेशा देते रहते हैं, तो ऐसी नेचर को हम बोलते हैं डोनेटिंग। तो बोलता है ये क्या करते हैं, विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब हमारी डोनेटिंग नेचर आती है ना, तो हम लोग लूज ही करते हैं, पैसों को लूज करते हैं, परंतु ब्लेसिंग बहुत मिलती है हमें। दैट इज नोन एज मेटल्स, ठीक है ना। मेटल्स का मतलब क्या होता है, व्हेन दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो जगह क्या कर देते हैं, वहां पे खाली रह जाती है। मतलब एक जगह वहां पे कोई भी कभी भी आके वहां पे रह सकता है। दैट इज नोन एज पॉजिटिव। तो वो था विच फॉर्म पॉजिटिव आयन। जैसे मैं अगर आपको सिंपल सी बात बताऊं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे पॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्यों, बिकॉज दे उनके आउटरमोस्ट पे ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो बड़े आराम से। अनबैलेंस का मतलब पता होता है, जैसे क्लास में ही होते हैं, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, अब जैसे उनको पता लगता है कि पढ़ाई नहीं करनी, क्लास नहीं लगनी है, चाहे ग्राउंड से पत्थर उठवा लो, चाहे कोई भी काम करवा लो, सोशल वर्क जो भी करवा लो, ठीक है ना। तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी जो क्लास होती है ना उसमें नहीं रहना चाहते हैं, यानी अपने शेल में नहीं रहना चाहते, अपनी ऑर्बिट में नहीं रहना चाहते हैं, वो आराम से अपने आप को वहां से लूज कर जाते हैं। तो वो क्या नेचर हो जाती है, उनकी अपनी नेचर, जो लूज कर जाते हैं, दे देते हैं किसी को भी अपनी इलेक्ट्रॉनों को, दैट इज इन पॉजिटिव नेचर। मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है। अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो मेरे पास दो की कैविटी बन जाती है, दो मेरे पास और आ सकते हैं, तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव आयन। ओके, तो ये मेटल के बारे में होता है। और नॉन मेटल में क्या होता है बेटा, नॉन मेटल में सेम चीज परंतु उल्टी, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं ना, वो कहां पे जाते हैं, मेटल के पास। तो ये क्या करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। क्लियर हो गया, मतलब दो तरीके के लोग, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसकी जेब में 100 रुपया है, मैंने 50 रुपए इन भाई साहब को दे दिए, तो मेरी क्या नेचर आ गई, मेरी आ गई मेटल की नेचर, डोनर नेचर, यानी पॉजिटिव नेचर। और एक भाई साहब वो बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरे से 50 रुपए ले लिए, ठीक है ना, हालांकि उनको जरूरत हो सकता है ना भी हो, परंतु उन्होंने रख लिए 50 रुपए। तो वो हमेशा एक्सेप्टर नेचर के आगे, तो वो कौन से होते हैं, नॉन मैटर्स। और इनकी जिसको पोलैरिटी बोलते हैं, तो इनकी पोलैरिटी हमेशा ही नेगेटिव रहती है। नेगेटिव मतलब हमेशा ही दे दो दे दो दे दो, ठीक है। तो दीज आर मेटल एंड नॉन मेटल। अभी हम लोग आज मेटल की बात करेंगे। हमारा आज की कमिटमेंट ये हुई थी कि सर आप ज्यादा मत कवर करना, थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे, बहुत टाइम है, एक चैप्टर को 2 दिन में या 3 दिन में, ठीक है ना। परंतु मैं मेटल एक ऐसा चैप्टर है, मेटल नॉन मेटल, मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को हम ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, बिकॉज दिस इज आई थिंक काफी कुछ कवर कर जाएगा, ये एग्जाम में बहुत कुछ आएगा इसमें से। तो सबसे पहले आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी हमने इनका ना शादी करवानी है, तो देखेंगे भाई की क्या क्या है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसका मतलब समझा आ गया आपको,
कि भाई देखने में कैसा है ये मेटल भाई साहब, देखने में कैसे हैं, ठीक है, अगर इनकी हाइट कितनी है, ठीक है, इनमें कितनी स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये सारी चीजें हैं इनके सब, ठीक है ना। सबसे पहले आती है व्हाट आर द फिजिकल स्टेट, पता है आपको ये हमेशा फिजिकल स्टेट में मर्करी के अलावा बाकी सारी की सारी क्या होती है, सॉलिड स्टेट में रहती है। सिर्फ इसका एक जो बोल सकते हैं द नेचर विच इज नॉट मैच विद दिस, दैट इज ए मर्करी। मर्करी हमेशा ही रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्लियर। मर्करी मतलब पारा, यही नेचर पारे की होती है वो, जिसके लिए हम पारे को अपनी थर्मोमीटर वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर नोन एज ये क्या आ गई इसकी फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। अगर आप इसको देखेंगे फर्स्ट स्टेप दैट इज नोन एज फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फिजिकल स्टेट ऑफ मैक्सिमम मैटर दैट इज ए आधे सॉलिड, परंतु अगर ये पूछेगा कि कौन सी मेटल ऐसी होती है जो सॉलिड नहीं होती है इन रूम टेम्परेचर, दैट इज ए मर्करी। मर्करी लिक्विड ही होती है, नंबर वन, ओके। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज लस्टर, चमकने की प्रॉपर्टी। मैटर को थोड़ा मेटल में ना थोड़ा मेटल बड़े दिनों बाद कार्बनाइज हो जाती है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं है उसके ऊपर सैंड पेपर से थोड़ा सा रगड़ोगे चमक जाएगी। आपको पता है ज्यादा चमको ज्यादा रगड़ोगे तो लोहा भी स्टेनलेस स्टील की तरह चमकने लगता है। हमारे बच्चे ना आईटीआई में जब जो बनाते थे तो पता नहीं लगता था कि ये लोहे का पीस है या स्टेनलेस स्टील का। तो इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, और लस्टर की प्रॉपर्टी कैसे आती है, व्हेन यू कैन शाइन इट्स सरफेस, जब आप इसके सरफेस को शाइन चमकाते थे ना घिसते थे तो इसमें प्रॉपर्टी क्या आती थी, शाइनी नेचर, ठीक है ना। और यही कारण है कि इस कुछ प्रॉपर्टी कुछ जो होती हैं कुछ मेटल्स को आप इसी नेचर के कारण डेकोरेटिव जगह पे लगा देते हैं, या फिर गहने वगैरह सिल्वर गोल्ड के देखे ना सबसे ज्यादा, क्योंकि दैट इज अ वेरी ठीक शाइनी नेचर, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा शाइनी के आप उसको यूज करते हैं एज ए, ठीक है, चमकाने के लिए। उसके बाद आ जाता है मैलेबिलिटी, ठीक है, मैलेबिलिटी। जब आप मेटल को पीट पीट कर इसकी चादरें बना देते हो, जो इस बात की जो चादर नहीं होती है जो हम लोग मैक्सिमम शेल्टर बनाने के लिए लेते रहते हैं, उसकी चादर बना देते हैं, स्पार्ट बना देते हैं, स्पार्ट मतलब बिल्कुल फ्लैट से बना देते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी, ठीक है ना। मैलेबिलिटी मैलेबिलिटी दिस प्रॉपर्टी इज बाय विच वी कैन विद द हेल्प ऑफ हैमर और विद द हेल्प ऑफ देयर बीटन ऑन द सरफेस ऑफ वन टू अनदर, तो हम क्या कर देते हैं उसको क्या बना देते हैं, फ्लैट बना देते हैं उसको, ठीक है ना। ऐसी अगर आपको एग्जांपल दी जाए गोल्ड एंड सिल्वर आर द वेरी गुड। उसके बाद आती है नेक्स्ट डक्टिलिटी, आपने देखा होगा कई बार हम लोग मेटल्स को यूज करते हैं, ठीक है ना, मेटल को क्या करते हैं कहां पे यूज करते हैं, लोहे के कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, लोहे के लोहे की ये मेटल्स होती हैं, लोहे की तारे होती हैं, तो कई ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हम इसके खींच खींच के तार बना लेते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज होती है, ठीक है ना। और ऐसी बड़ी है आपके पास डक्टिलिटी की एग्जाम्पल्स, देखो गोल्ड की डक्टिलिटी ही कारण है गोल्ड और सिल्वर की कि आप लोग उसको रिंग बना लेते हैं, बिल्कुल पतले पतले रिंग भी बना लेते हैं। कॉपर है, कॉपर की आप तारे बनाते हैं, कॉपर वायर्स, ठीक है, एल्यूमिनियम वायर्स, तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डक्टिलिटी, ओके। आफ्टर दैट उसके बाद क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी से पहले मैं हार्डनेस पे जाता हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डनेस, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें ना स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा होती है, आप लोग
रोड क्रॉसिंग में कहीं पे कोई चीज तार वगैरह गुजारनी है तो आपने क्या करना है, मेटल यूज करते हैं, मेटल का एक जीआई पाइप, जीआई गर्मनाइज्ड आयरन की एक पाइप को उसके थ्रू डालते हैं, उसमें डालते हैं जो मटेरियल आपने, फॉर एग्जांपल भी आपने कोई भी प्लास्टिक की पाइप गुजारनी है, कुछ भी गुजारनी है, दैट इज ड्यू टू हार्डनेस, ठीक है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच यू कैन यूज इट ए ऑन इट्स सरफेस दैट इज ए वेरी हार्ड सरफेस, ठीक है ना। और बड़ी बात यह क्या कि इसको प्रेस करना, इसको कट करना और इसको जिसको बोल सकते हैं कि खींचना, टेंसाइल इसकी बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज हार्डनेस, ठीक है। उसके बाद आ जाती है, हम लोग बोल रहे थे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी दो तरीके की होती है, मैं दोनों का एक में जिक्र कर दूंगा। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक चीज से दूसरी जगह पे कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्ट कर जाना, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल भी मैं ये अगर आपको एक एग्जांपल छोटा सा दूं, मैं अपने बच्चों को यही एग्जांपल देता हूं थर्मल कंडक्टिविटी का। अगर मैंने यहां पे आग जलाई हुई है, ठीक है ना, और देखो ये मम्मा ने रखा हुआ है पैन जिसमें सब्जी रखी हुई है, और इसमें क्या हुआ, मम्मा ने इसको ना हिलाने के लिए कड़छी रखी हुई है और वो कड़छी बीच में रह गई, कड़छी बीच में रह गई, थोड़ी देर बाद तुम हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि ये कड़छी, ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो गया, हालांकि ये सरफेस जो है, जो पैन का सबसे ज्यादा गर्म सरफेस है, ये सरफेस टच में है, परंतु यहां पर भी गर्म हो गया। ये अलग बात है, यहां का और यहां का टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क होगा, ये कम होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, तो परंतु ये भी सोचने की बात है कि मैटर में कैसे ये कंडक्ट हो गया, बिकॉज इट हैज सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ, जिसको हम लोग कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी बोलते हैं, कंडक्टेंस की है कंडक्शन, वो वाली प्रॉपर्टी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी देता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होता है। थर्मल कंडक्टिविटी में ओनली हीट ट्रांसफर करता है, ये मम्मा की कड़छी वाला, ठीक है ना, जो मम्मा का चिमटा भी है, हम एग्जाम्पल चिमटे का भी लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, थर्मल कंडक्टिविटी के बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो क्या है, इस कमरे में, अभी इस कमरे में बल्ब लगा हुआ है, उस कमरे में बल्ब लगा हुआ है, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यहां पे पहुंची होगी, वहां पे कैसे पहुंची, थ्रू द वायर, और वायर क्या है, मेटल, तो मेटल है सम प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब इसने, अब देखा ना आपने कंडक्टिविटी में बोलते हैं हम लोग सिल्वर इज द मोर, ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, मोस्ट कंडक्टिव मेटल ऑफ दिस यूनिवर्स इज सिल्वर, ठीक है ना, अभी तक सिल्वर को सबसे ज्यादा कंडक्शन में माना गया है, कॉपर को उसके बाद, एल्यूमिनियम को उसके बाद। तो मेरे को कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया, बोले सर व्हाई वी कैन यूज सिल्वर एज ए कंडक्टर, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इतने लॉसेस जो झेलता है, क्यों, क्योंकि देखो ना, अगर सिल्वर की तार डालेंगे तो आपकी कंडक्शन बहुत बढ़िया तरीके से आएगी, आपकी पोटेंशियल सबसे कम ड्रॉप होगी, यानी मिनिमम लॉसेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारी बस्सी पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है फॉर एग्जाम्पल भी, तो वहां से यहां तक अगर सिल्वर कंडक्टर डाले होंगे तो बेटा आपको बहुत ज्यादा ड्रॉपेज नहीं मिलेगा, परंतु अगर हम लोग यहां पे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग सिल्वर कंडक्टर डाल दें तो बहुत ज्यादा ड्रॉपेज नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों नहीं हम यूज करते हैं सिल्वर की, हम कॉपर की भी नहीं यूज करते, हम एल्यूमिनियम की यूज करते हैं, क्या कारण है, बड़ा सिंपल सा कारण, वाई द नेचर ऑफ इट्स कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली होता है बेटा, कॉस्टली इतना होता है, आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में बहुत टाइम पहले की बात है, पहले ये चलन जो होता था कहीं और स्टेटों में होता था कि, ठीक है, टेलीफोन एक्सचेंज वालों की कॉपर वायर चोरी हो जाती थी, ठीक है, दैट इज ड्यू टू इट्स, अभी कॉपर जो है ना वो स्क्रैप के रेट में मेरे ख्याल से 400-500 रुपए का मिलता है स्क्रैप में, एक किलो अगर कॉपर वो क्या करते थे कि वायर को चुरा लेते थे, उसको जला देते, इंसुलेशन को जला देते थे और कॉपर को बेच देते थे, ठीक है ना। हमारे इंडिया में ये बहुत, जिसको बोल सकते हैं
सोच उल्टी है, मैं नहीं बोलता ट्रेंड है पर सोच उल्टी है, शॉर्टकट तरीके से हर चीज पाना चाहते हैं, ठीक है, देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है। बच्चे जा रहे हैं IIT के थ्रू, पैकेज 50 लाख पर एनम, ठीक है, वो भी तो है, वो भी अपने कैलिबर से जा रहे हैं। आप में कैलिबर बहुत है, परंतु हम लोग नेगेटिव साइड, ये आप हमारी नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसे चला हुआ था। आप लोग तो फिर भी नॉर्मल लोग हैं, परंतु हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, हम लोग फॉलो करते हैं इन नेताओं को, इनका क्या वजूद है, इनका वजूद आपके कारण है, ठीक है ना। किसी को भी मत सर पे चढ़ाओ, हर एक पार्टी का बंदा अगर आप किसी को मानते हो तो उसके देखो कि सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। अगर जो बंदा यहां पे पॉलिटिक्स में आया हुआ है सिर्फ खाने के लिए, तो उस लोग उसको इग्नोर करो, जब आपके इलाके में आता मत ना उसको बाय बाय दो, मत देखो मतलब, आप हम हैं ही बहुत मतलबी है, जब वो आएगा तो ठीक है तालियां बजाने के, मत इकट्ठे हो जाओ, अपने आप उसको पता लगेगा कि मेरा वजूद कितना है, ठीक है ना। सच्चाई को सामना करना सीखो मेरे भाई, ठीक है ना। मैं आप स्टूडेंट्स को ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आपके थ्रू ये मैसेज औरों को भी जाएगा। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, सबसे बात हम हमेशा फॉलो करते हैं नेगेटिविटी को, अरे आपके सराउंडिंग में देयर आर सो मेनी पॉजिटिव पर्संस, हम खुद जानते हैं, हमने खुद देखे हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे आसपास में ना, तो हम लोग ना उनको भी टॉन्ट करते हैं, ठीक है ना। यहां पे एक ग्रुप था मेरे गांव में, बहुत बढ़िया लड़के थे, ठीक है, वो ना पॉलिथीन उठाते थे, तो यहां पे कुछ बहुत सुविधा संपन्न लोग जो थे वो बोलने लगे कि यार ये बेले आदमी है, ये क्या करते हैं, ये फलां के ये है वो है, यानी टॉन्ट करना शुरू कर दिया। और जब बहुत छोटे छोटे बच्चे भी 7-8 साल के बच्चे भी उनके साथ मिल गए, मैंने देखा पॉजिटिविटी आती है, परंतु कुछ लोगों के कारण ये पॉजिटिविटी जो तैयार होती है ना हमारे समाज में वो भी खत्म हो जाती है। तो बी पॉजिटिव, एक केयर में चले रहो, लगे रहो, बस आप अपना इतिहास आपके हाथ में है, लोग आपको फॉलो करेंगे, परंतु पहले अपना वजूद तैयार करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बोलता हूं, हमारी मोटिवेशन क्लास आ रही है, ठीक है ना, तो बहुत जल्दी आ रही है, तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। सो मैं उसी के लिए आपको सैनिक स्कूल वालों के को भी उसमें थोड़ा सा इंक्लूड करूंगा उस मोटिवेशन क्लास में। सो मेरा कहना एक ही है, बी पॉजिटिव और डू पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है ना। ये मत जाओ पॉलिटिक्स, बहुत गंदी बहुत ही गंदी ये गेम है, छोड़ो इसको, ठीक है ना, और मत चढ़ाओ किसी को भी सर, लोग खुद आएंगे तुम्हारे पास अगर अपना वजूद तैयार कर लेते हो ना, देखना फोटो खिंचवाने आते हैं। और ये इतने VIP नहीं बन गए हैं कि हम इनके साथ सेल्फी लें, मेरी एक से आज तक मैं अपनी ना गौशाला जाते हैं तो हम अपनी गायों के साथ सेल्फी लेते हैं, मैं सेल्फी लेता नहीं, इससे पता क्या होता है, आप अपने आप की कैटेगरी जो है ना अपनी रैंकिंग छोटी करते हो। मत लो सेल्फी, अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लो, ये लल्लू बज्जू के साथ नहीं, छोड़ो लल्लू बज्जू, समझ गए आप आपका कहने को, मेरे कहने का मतलब है ना। तो बी पॉजिटिव, उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। जो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग जब मेटल को पिघलाया जाता है ना, पता आपको मेटल को पिघल जाती है टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के बाद, तो ये मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ही होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी। जब ये बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है, जब आपको पता है कि जब पानी को आप गर्म करते हैं कुछ टाइम बाद वो उबलने लग पड़ता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ऐसे मेटल को जब आप बहुत ज्यादा करते हैं तो ये भी बुलबुले देने शुरू हो जाता है, स्टील बनती है ना, आप लोगों ने देखा होगा रील्स में, रील को काफी देखते हैं है ना, उसमें देखा होगा। तो दैट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग एंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद है हमारे पास, अभी मैं स्टूडेंट लोग देख रहे हैं मेरे को कि वीडियो फिल्म भी खींच दी आपने, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होता है, मेटल की रिएक्टिविटी, ठीक है ना। हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं रिएक्टिविटी में, ठीक है ना, हायर रिएक्टिविटी ऊपर और लो रिएक्टिविटी सबसे नीचे, ठीक है। सिल्वर की रिएक्टिविटी सबसे कम, और मैं आपको अगर इसकी सीरीज बता दूं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, इन कंपैरिजन की आप लोगों को सारा बताऊं मैं, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि मेटल्स को कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज बता देता हूं, रिएक्टिविटी सीरीज,
फिर मैं इसी से समझा देता हूं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये जो मेटल होती है नंबर वन पे, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। कहां से? पोटाशियम से शुरू करते हैं लोग। पोटाशियम, पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, एनी, वैसे मैं छोटा नाम भी लिख सकता हूं पर अभी आपका है नहीं इसमें ना, पीरियोडिक टेबल नहीं है। कैल्शियम, ठीक है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। और इनका सिंबल क्या है? पोटाशियम का के प्लस, सोडियम का एन ए प्लस, कैल्शियम का सी ए प्लस, मैग्नीशियम का एम जी प्लस और एल्यूमिनियम का ए आर प्लस, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ऐसे करके मोर रिएक्टिव, ये इस तरीके की सीरीज है। सबसे ज्यादा पोटाशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम जिंक, जिंक से कम आयरन, जिंक, आयरन, ठीक है। ये ऐसे सीरीज चलती है, जेड एन आयरन एफ की, फेरस होता है आयरन का ना एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, यहां तक सबसे ये चलते हैं। हाइड्रोजन से नीचे लेस रिएक्टिव शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉपर, मरकरी, ठीक है ना, मरकरी के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड, ठीक है ना। सिल्वर को बोलते हैं हम एजी और गोल्ड को एयू से, एच डी मरकरी, कॉपर सी यू, ये सारे के सारे प्लस में होते बेटा, ठीक है ना। मैंने प्लस लिख दिया वहां पर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इनका सिंबल यही है, ये सारे प्लस में है, वो पता ही आपको मेटल है तो। अब ये क्या हुआ? गोल्ड लेस रिएक्टिव, अब ये यहां से रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है इसकी ऊपर की तरफ। सबसे कम गोल्ड, उससे ज्यादा सिल्वर, उससे ज्यादा, ठीक है, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन से ऊपर वाले बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, शुरू हो जाती है इनकी एक्टिविटी बढ़नी, ठीक है ना। बोलता बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होने के कारण पोटेशियम और सोडियम क्या करते हैं, आपके एटमोस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है ना, उससे भी रिएक्शन कर जाते हैं, उसकी भी रिएक्टिविटी को सोख लेते हैं, ठीक है ना। बोलता यही कारण है पोटेशियम और सोडियम को हम लोग ये रिएक्ट कर जाते हैं। मोर एक्टिव होने के कारण हम इनको क्या करते हैं, इनको हमेशा केरोसिन, जिसको हम मिट्टी का तेल नहीं होते हैं, उस वायर में रखते हैं। पानी में फेंकोगे ना, केमिकल रिएक्शन, पटक की आवाज आएगी और आग लग जाएगी उसको, उस मैटर तो डिपेंड करता है कितना मटेरियल है, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और इनकी लोअर एक्टिविटी के कारण जो जैसे गोल्ड, सिल्वर, एचजी, मरकरी, कॉपर, ये लोअर एक्टिव होने के कारण ये क्या करते हैं, ये सिर के साथ रिएक्शन ही नहीं होता, ठीक है ना। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करते, नो रिएक्शन विद एसिड, और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं ये वाले। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। उसके बाद अब लड़के का हमने कर दिया, उसकी ये सब कुछ पता लग गया हमें, ठीक है ना। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, अब उसके बाद आता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। भाई कुछ खाता पीता भी है कि नहीं, ये कुछ ज्यादा खा पी तो नहीं लेता है, ठीक है। एसिड शरीर में जाता है तो क्या करता है, तो दीज आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं लोग। तो मैं जल्दी से लिखूंगा, वो मेरे को लगता है जल्दी मतलब थोड़ा सा काम करते हैं कि टू द जो है आप स्टोरी ज्यादा नहीं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है ना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं,
सोडियम जैसे सोडियम मेटल है भैया, ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्ट करती है तो क्या करती है, 2NaO सोडियम ऑक्साइड बना देती है। जो मेटल्स होती हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव, वो क्या करती हैं, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं ये क्या कर देती हैं बेटा, ये उसी मेटल का ऑक्साइड बना देती हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो दीज आर समथिंग। तो इसका मतलब पहला क्या आ गया कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म इट्स ऑक्साइड, जिस मेटल के साथ करती है उसके ऑक्साइड बना देती है। वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस। अब मैं बोल रहा हूं कि एन एक क्या कर रही है वाटर के साथ, H2O, ठीक है ना। सोडियम मेटल क्या कर रही है, पानी के साथ रिएक्ट कर रही है। तो क्या कर रही है, पहले ये इसका ठीक है ना बेस बनाएगी, 2NaOH, NaOH ठीक है, 2NaOH, और साथ में क्या करेगी प्लस हाइड्रोजन गैस, 2 2 4 2H नहीं H2 ठीक है ना। ये मैं वैसे बैलेंसिंग कर रहा हूं, बैलेंसिंग है नहीं आपके सिलेबस में, वो भी मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं। तो दैट इज नोन एज, मतलब जब ये पहला क्या होगा, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सिंपल सा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना आ गया, मेटल ऑक्साइड। और जब रिएक्ट विद वाटर, विद वाटर तो क्या बना दिया इसने, इसने बना दिया आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है हाइड्रोजन गैस। ऐसे मैग्नीशियम करती है मैं, ठीक है ये क्या बना देती है, बेस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब ये एसिड के साथ करती है बेटा तो एसिड के साथ भी ये हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भी MgHCl, 2HCl हो जाएगा जब करेंगे विद एसिड। एसिड के साथ जब भी मेटल करती है तो क्या कर देती है ये, ठीक है ना, MgCl, ठीक है MgCl2 ये बना दिया प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही ये सोडियम के साथ करती है, जिनके साथ सबके साथ मेटल का साथ ऐसे ही, सिर्फ जो आपकी ये होती है ना नॉन रिएक्टिव उनके साथ ये इतना ज्यादा नहीं करती है, ठीक है। तो दीज आर नोन एज एसिड के साथ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिप्लेसमेंट का क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग मैं कर रहा हूं FeCuSO4, ये भी एक रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन। किस लिए बोला जाता है मैं अभी ये यहीं से क्लियर कर दूंगा, FeSO4 कोपर आपका अलग हो जाता है इसमें, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कोपर अलग हो गया, और ये किसके साथ कर देता है, इसके साथ। ऐसा आपके साथ भी होता है, कई बार होता है, ठीक है ना। आपका दोस्त ठीक है, जब कोई मौका लगता है तो वो किसी और के साथ बैठ जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग टूर में जाते हैं तो देखते हैं उसके पास सीट कंफर्टेबल है तो उसके साथ वो बैठ लिया, ठीक है ना। तो दिस इज, ये है आपका मेटल के साथ अभी तक का सफर चला हुआ है, ठीक है ना, मेटल्स। अब सेम टू सेम नॉन मेटल्स के साथ भी ऐसा है। तो मेरे ख्याल से लेक्चर बच्चों के अनुसार यही होता था कि सर आधे घंटे का लेक्चर कीजिए, जल्द जल्द 35 मिनट का, तो हम लोग बड़ा लंबा लेक्चर नहीं करते हैं। नॉन मेटल, ये दिस इज ए पार्ट वन, इसको मैं ले लिया पार्ट वन, ये है आपका मेटल्स के बारे में। कल हम करेंगे ठीक है नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है ना, आफ्टर द ब्रेक। परंतु तब तक के लिए आपने अच्छे से ठीक है पूरी तरह इसको समझना है, बात करना है। अगर आपको लगता है कोई डाउट शक किंतु परंतु है तो आप लोग कमेंट के थ्रू जरूर मेरे को बताया करो, ठीक है ना। आप लोग अप्रेजल ही करते हो, आप लोग प्रशंसा ही करते हो, मेरे को प्रशंसा नहीं, मेरे को ये चाहिए कि आप लोगों को क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है वो भी तो बताओ ना, या क्या चीज समझ नहीं आ रही है। हो सकता है कई बच्चे बोलते भी हैं, यहां भी तो मेरे सर मजाक में बोल भी देते हैं ना सर, आप बीच में लेक्चर को लंबा खींच देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ है ऐसा तो मैं आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि हम और ज्यादा क्लोज करेंगे, परंतु मैं इंटरेस्टिंग, मैं चाहता हूं कि आप लोग इंजॉय करो इस लेक्चर का, ठीक है ना।
स्टडी जितना एंजॉय करोगे वो आपके लिए उतनी फायदेमंद रहती है। ठीक है, बाकी ये है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अच्छे से करो और उसे भी करवाओ और जिसको फायदा दे सकते हो उनको दिया करो। ठीक है ना, बताया करो, लिंक को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को। ठीक है, सो मिलते हैं ब्रेक के बाद सेकंड लेक्चर में।